बीमार व्यक्ति की इलाज करने से भी कठिन होता है बीमारी का डायग्नोसिस करना, सही बीमारी का पता चलाना, क्योंकि अक्सर बीमारी के लक्षण से डॉक्टर लोग पता चलाता है और आगे के टेस्ट वगैरह करके बीमारी को डायग्नोसिस करता है। एक रोगी जब बीमार के लक्षण को अपने जीवन में या अन्य व्यक्ति के जीवन में पाते हैं तो हमें सबसे पहले महसूस करना है कि मुझ में या जो दूसरा व्यक्ति है जिसमें बीमारी का लक्षण है उसमें बीमारी है। एक बार स्वयं अवगत होता है, स्वीकार करता है कि मैं बीमार हूं, तो दूसरा स्टेप होता है मैं स्वयं इलाज करने से ठीक नहीं होता, मुझे एक वैद्य की जरूरत है। वैद्य की जरूरत है लेकिन उसके लिए मुझे सही वैद्य के पास जाना पड़ेगा। जब तक मैं अपनी बीमारी के इलाज के लिए सही वैद्य के पास नहीं जाता, मेरी बीमारी का सही और उपयुक्त इलाज नहीं मिलता। प्रिय भाई और बहनों, शरीर की बीमारियों को हम जल्दी पहचान लेते हैं। शरीर में जो लक्षण, जो रोग के लक्षण मिलता है उससे हम अपने बीमारी के बारे में अवगत होता है, लेकिन अक्सर आत्मा की बीमारी जो है, पाप की अवस्था की जो बीमारी होता है, उस बीमारी से हम अवगत नहीं होते। हमारे मन में उसके बारे में बहुत सारे विचार नहीं रहता है, क्योंकि धीरे धीरे हमारे हृदय में, हमारे दिल में, हमारी आत्मा में उस बीमारी के लक्षण मिट जाते हैं और हम पाप की अवस्था में अपने जिंदगी को आगे बिताते हैं। लुकस के सुसमाचार अध्याय 5 के 32वां वाक्य में यीशु मसीह बताता है, निरोगियों को नहीं बल्कि रोगियों को वैद्य की जरूरत है। और कभी कभी हमें मालूम नहीं होता है कि हमारा असली बीमारी क्या है, इसलिए हमें इस उपवास काल के शुरुआत में ही एक अच्छा पाप स्वीकार करना है, अपनी जिंदगी के पाप की अवस्था को एक पुरोहित के पास जाकर बताकर हम अपने हृदय को नॉर्मल बनाना है।